पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो, मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ, परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिङ्गाय नमः, नारायण। कान्तो पृष्ठ क्या 36, पहली पंक्ति, चौथी पंक्ति, 1 2 3 4। विमतं प्राग् अभिव्यक्तेः सदभिव्यक्ति विषयत्वात् यद्यते तत्प्राग् सम्प्रतिपन्नवत् इत्यर्थः। कल कहा गया था विमतम का अर्थ सुक्ति रूप्यादि नाम अपि अधिष्ठान आत्मना प्राग सत्वम अभिधेयम्। जो भी कार्य होता है, चाहे व्यावहारिक कोटि का हो चाहे प्रातिभाषिक कोटि का हो, उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व मान्य है, इसी का नाम सत्कार्यवाद होता है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से वेदांतियों को भी प्रारंभ में सत्कार्यवाद स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का अस्तित्व मानेंगे, कारकव व्यापार के द्वारा आकृति विशेष की क्रमशः उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, तब कालांतर में अनिर्वचनीय उत्पत्ति की सिद्धि हो सकेगी और अद्वैत का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। यहाँ पर टिप्पणीकार ने प्रातिभाषिक उदाहरण भी दिया, जैसे सीपी है उसमें चांदी दृष्टिगोचर होती है, रजत का भी भ्रम होता है। तो समझना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को चांदी का विभ्रम नहीं हुआ या सीपी चांदी के रूप में दृष्टिगोचर नहीं हुई, तब भी चांदी का सुक्ति में अस्तित्व था, क्योंकि कल्पित का जो नाश होता है अधिष्ठानात्मक ही होता है। उस समय सीपी के रूप में ही चांदी या रजत की विद्यमानता थी। व्यावहारिक धरातल पर मृदघट इत्यादि की बात कही गई, मिट्टी ही मिट्टी जब है तो भी भविष्यत गति से जिस घट का उत्पादन होना है उसका मौलिक स्वरूप मिट्टी में सन्निहित है। कारकव व्यापार के द्वारा क्रमिक कार्य की समुत्पत्ति होती जाती है, और जो क्रमिक कार्य होता है वह भविष्यत कारणोन्मुख होकर तिरोहित हो जाता है, तब जाकर चरम कार्य का निष्पादन होता है।
तो घट का पूर्व रूप कपालद्वय, कपालद्वय का पूर्व रूप पिंड, पिंड का पूर्व रूप चूर्ण, चूर्ण का पूर्व रूप मृत्तिका है। मध्यवर्ती जितने रूप हैं वो तिरोहित होते जाते हैं, लेकिन मिट्टी चरम कार्य में भी अपने अवयव को लेकर विद्यमान होती है। जिस मिट्टी का चयन कुंभकार घट के लिए करता है वही मिट्टी घट काल में भी विद्यमान होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, घटोत्पत्ति के पूर्व और चूर्ण इत्यादि की निष्पत्ति के पूर्व मृद भावापन्न होकर घट विद्यमान रहता है, और जब चरम कार्य घट की उत्पत्ति हो जाती है तो मृत्तिका घटाकार होकर परिलक्षित होती है। इसलिए जो स्थूलदर्शी होते हैं उनको घट का दर्शन होता है, मिट्टी का दर्शन होता ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन केवल मृत्तिका, उसके बाद मृत चूर्ण, उसके बाद मृत पिंड, उसके बाद मृत कपाल और अंत में मृत घट, यहाँ सर्वत्र अनुगति है। चूर्ण का तिरोधान, पिंड का तिरोधान, कपालद्वय का तिरोधान होने पर भी मिट्टी का तिरोधान नहीं होता। तिरोधान शून्य जो मृत्तिका, वह घट तादात्म्यपन्न होकर घट दशा में भी विद्यमान रहती है। अतएव तत्सदृश नहीं कह सकते, उस मृत्तिका के सदृश घट में अनुगत मृत्तिका या न कहकर मूलभूत जो मृत्तिका वही अपने अवयवों के सहित घट में अनुगत रहती है, अर्थात घटाकृति के रूप में परिलक्षित होने वाली ही तो मिट्टी है। उस मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म काढ़ दें, टोटली माइनस कर दें, तो वास्तव में घट की प्रतीति भी ना हो और घट की अर्थक क्रियाकारिता भी चरितार्थ ना हो। जिस मिट्टी पर घट की उपयोगिता और घट की सत्ता निर्भर है वही मिट्टी परमार्थ वस्तु है व्यवहार में, इसीलिए मृत्तिकेत्येव सत्यम ऐसा श्रुति ने कहा है। घटोत्पादनी शक्ति जो स्निग्धता है नष्ट हो जाती है, तो पंचदशी कार ने कहा कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य की शक्ति रूप से विद्यमानता होती है, और शक्ति बिना शक्तिमान शक्ति के आश्रय के रह नहीं सकती, लेकिन कार्य की उत्पत्ति हो जाने पर कार्योत्पादनी शक्ति भी मानो विलुप्त हो जाती है, पृथक से शेष नहीं रहती। लेकिन यह केवल दृष्टांत के बल पर, एक दृष्टांत के बल पर सिद्ध किया जाता है। आगे इसमें पूर्व पक्ष आवेगा, संभवतः आज ही आ जाए, कि घट नष्ट हो गया, घटो नष्ट कह दिया, प्रध्वंसा भाव हो गया घट का। अब जो घट का प्रध्वंसा भाव हो गया तो घट फिर भी विद्यमान रहा या नहीं, कैसे? क्योंकि आगे शास्त्रार्थ आवेगा, जिस प्राग भाव हो चाहे प्रध्वंसा भाव हो चाहे अन्योन्या भाव हो चाहे अत्यंता भाव हो, इसमें संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है ना। अमुक का अभाव, अभाव अलग है अमुक अलग है या नहीं, सामान्य रीति से नहीं समझ में आता है क्या, अभाव अलग है और अमुक अलग है या नहीं? अमुक का अभाव, इसका मतलब हुआ कि
क्या हुआ? वो क्या ढीला हो गया है, और खोल देते हैं और धम 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 हो जाता है। तो धारा हमारी टूट जाती है। फिर हमने यह कहा कि क्या पूछा था आपने? हाँ, तो स्निग्धता नाम की शक्ति या घटोत्पादनी शक्ति, उसमें यह है कि जो कुंभकार होता है, कुम्हार, उसको पहचान होती है किस मिट्टी को मैं घट का रूप दे सकता हूँ, या किसी भी मिट्टी को, बालुका आदि को घट का रूप दे देगा। हर मिट्टी में घटोत्पादनी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार से ब्रह्म का क्षेत्रफल अधिक है या प्रपंचोत्पादनी शक्ति का क्षेत्रफल अधिक, ठीक है? एकांश न स्थितो जगत का अर्थ यहाँ पर है कार्यात्मक जगत और कारण रूप शक्ति दोनों। एकांश न स्थितो जगत, ब्रह्म के कल्पित एक अंश में माया शक्ति और माया शक्ति के भी कल्पित एक अंश में महदादि की स्थिति है। अब जब कोई ऐसी मिट्टी है जो सीधे घट नहीं बन सकती, तो उसमें घट बनने की योग्यता का आधान भी करता है या नहीं? कुलाल करते हैं ना। जैसे अब राजस्थान की मिट्टी को, मरुस्थल वाली केवल मिट्टी को, वहाँ भी घट बनते हैं या नहीं? अच्छा, मुल्तान आदि में जहाँ केवल क्या रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो वहाँ की मिट्टी से जब कुंभकार घट बनाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाता है? उसको घटोत्पादनी शक्ति की अभिव्यक्ति हो तदनुकूल निमित्त का आधान उसमें करता है या नहीं? तो निमित्त के आधान से घटोत्पादनी शक्ति की अभिव्यक्ति हुई, न कि घटोत्पादनी शक्ति का उत्पादन हुआ क्या? हाँ, तो वहाँ फिर जाके लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए अब घट फूट गया, घट पका हुआ है, पका ना हवा में, फिर वो कालक्रम से फूट गया किसी कारण से। अब अगर कोई कुम्हार उस फूटे हुए कपाल के टुकड़े आदि को कदाचित वो घट बनाने का रूप धारण करे, या मिट्टी में ही वो घट के फूटे हुए अंश रहें, कालांतर में वह प्रकृति प्रदत्त विधा के अनुसार मिट्टी हो जाएगा या नहीं? घट के जो टुकड़े हैं, तो कुलाल ना भी बनावे, लेकिन प्रकृति क्या करेगी? धीरे 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 उसका शोधन करके मृत्तिका का रूप उसे दे देगी। क्या उसकी जो आकृति है टूटी फूटी, उस आकृति को धीरे धीरे प्रकृति क्या करेगी? मिट्टी का ही रूप दे देगी, या मिट्टी का रूप दे देगी। तो दो प्रकार की मिट्टी हो सकती है। एक प्रकार की मिट्टी वो हो सकती है जिसमें स्निग्धता नाम की शक्ति को प्रकट करने के लिए पृथक से प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जल आदि का आलम्बन लिए बिना तो घट नहीं बना सकता है। एक मिट्टी ऐसी है जिसमें पहले से स्निग्धता नाम की शक्ति अभिव्यक्त है, तो वहाँ ये मान लेना चाहिए कि शक्ति का नाश नहीं हुआ, शक्ति तिरोहित हो गई, ठीक है? अब कुम्हार तो मैं नहीं हूँ, मैंने अपनी बुद्धि लगा के वहाँ तक जाके पहुँचा दी बुद्धि को। क्या भगवत कृपा से, गुरुओं कृपा से हम लोगों को क्षमता प्राप्त है जिस विषय के हम जानकार बिल्कुल नहीं है। घट तो कभी बनाए, कुम्हार तो हम है नहीं, ने घट बनाते हुए कभी देखा है, लेकिन फिर ये दर्शन शास्त्र की विशेषता ये है कि वहाँ तक बुद्धि पहुँचा देगी। ईश्वर को तो मैंने देखा नहीं घट बनाते हुए, कुम्हार को, ईश्वर को तो देखा नहीं आकाश बनाते हुए, लेकिन आकाश बनाने की प्रक्रिया जो ईश्वर अपनाते हैं वहाँ तक बुद्धि जाती है इन ग्रंथों के पढ़ने से। हो गया? विमतम प्राक अभिव्यक्ते सदभिव्यक्ति विषयत्वात् यद्यपि
यद्यभिव्यज्यते तत्प्राक संप्रति वन्नवत् इत्यर्थ। जो कुछ अभिव्यक्त होता है या जो अभिव्यक्त होता है, जैसे कि समय, कपाल या मृतपिंड या घटही या मृतचूर्ण, वो जैसे विद्यमान रहता हुआ ही प्रकट होता है, ठीक इसी प्रकार से जो भी हम पक्ष बनाएंगे उसमें साध्य की विद्यमानता पहले से ही रहती है। किसी भी कारण में, चाहे वो अधिष्ठानात्मक कारण हो, चाहे सामान्य रीति से उपादान भूत कारण हो, कारण के दो रूप हो गए ना। सुक्ति रजत में सीपी जो है वो तो कोई प्रक्रिया ये सब नहीं अपनाई जाती है, इसलिए अधिष्ठानात्मक उपादान ही है। लेकिन मृदघट जब बनाना है तो क्या है, मिट्टी वहाँ पर उपादान है, तो मिट्टी की अधिष्ठान रूपता तो तिरोहित है, उपादान रूपता चरितार्थ, और उसकी उपादान रूपता जो हम कहेंगे तो अधिष्ठान रूपता ही चरितार्थ। जहाँ कार्योत्पत्ति में सीधे अज्ञान का हाथ है, तो जिसका अज्ञान वो अधिष्ठान हो गया, और जहाँ कार्योत्पत्ति में ज्ञानाति क्षति करोति की प्रक्रिया है, वहाँ केवल कारण उपादान कोटि का हो गया ना। प्रातिभाषिकता का जहाँ प्रश्न उठता है, वहाँ पर जिस वस्तु के अज्ञान से संस्कार वसात दृष्टा को जिस अन्य वस्तु की प्रतीति होती है, यह तो अध्यस्त है, जिस वस्तु का अज्ञान हुआ वही अधिष्ठान है। रज्जु के अज्ञान से दृष्टा के हृदय में सर्प देखने का प्रारब्ध उदित हो गया, तो वह रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ी। वो सर्प देखने के, अब प्रश्न उठता है कि सर्प देखने का जो संस्कार उद्भूत हुआ, तो सर्प के संस्कार रस्सी में थे या दृष्टा के अंतःकरण में? अच्छा, दुर्भाग्य है तो क्या करेगा, सर्प ही देखेगा। अब देख करके घबरा गया, कमज़ोर दिल का हुआ तो अब चोट वोट लगे तो हॉस्पिटल जाओ, इतना घबरा के गिरा के मर भी जाओ तो नकली सर्प भी मार देगा। और अगर घाव वाव हो गया गिरने से तो हॉस्पिटल भी जाओ, फिर रस्सी का ज्ञान हो जाने पर भी वो घाव तो जल्दी नहीं सूखेगा, घाव सूखने की जो प्रक्रिया है उसी में। तो भ्रम में भी एक दिन हमने बताया था, व्यक्ति का प्रारब्ध साथ देता है। स्वप्नावस्था में कोई किसी को रोज डंडा मिले, और स्वप्नावस्था में रोज राज्य करने को मिले, मालपुआ मिले, तो ये क्या है जी, स्वप्न तो वो भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, मिथ्या मिथ्या में क्या अंतर हो गया? इसका प्रारब्ध बढ़िया स्वप्न दिखाने का, उसका प्रारब्ध सपने में भी लात खाने का हुआ या नहीं? तब जो बातचीत यहाँ की जाती है, जिसमें जिसका संस्कार नहीं है उससे उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, पूर्व पक्ष फिर डाला जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास अंतःकरण है ना, अब जो है अधिष्ठान में जब हम अपना अंतःकरण समर्पित कर देंगे, तो अधिष्ठानगत जो अधिष्ठान या उपादान में जब हमारा अंतःकरण सन्निहित हो जाएगा, तो हमारे अंतःकरण में जो संस्कार है वो सामने उपादान में भी संस्कार का संचार हो जाएगा। यूँ दोनों को मिला कर कहें, अगर घटोत्पादनी शक्ति में, घटोत्पादनी शक्ति तब कहेंगे जब उस शक्ति में घट बनाने के संस्कार सन्निहित हैं। संस्कार का आश्रय कौन होगा, होगी शक्ति, और शक्ति का आश्रय कौन, उपादान। तो इसका मतलब साक्षात संस्कार किस में रहेगा, शक्ति में, और शक्ति साक्षात किस में रहेगी, तो शक्ति में संस्कार होगा ना। मिट्टी में घटोत्पादनी शक्ति है, तो घटोत्पादनी शक्ति में घट उत्पन्न करने के संस्कार होंगे। अब फिर प्रश्न उठेगा कि संस्कार जो होते हैं वो अंतःकरण में होते हैं या बिल्कुल जड़ वस्तु मिट्टी आदि में होते हैं? तब इसका उत्तर ये है कि संस्कार न कहो, योग्यता कहो, कुछ तो कहना पड़ेगा द्राविड प्राणायाम से। यहाँ संस्कार कह दें, यहाँ वासना कह दें, वहाँ बीज कह दें, क्या
कोई ना कोई शब्द तो देना पड़ेगा। यहाँ वासना कह दीजिए, संस्कार कह दे, वहाँ क्या कहेंगे? बीज, बीज नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति कैसे होगी? इस प्रकार से बात चली। अब कौन हो गए? शुक्ल। हाँ जी, हाँ दिल्ली में पूछा था गढ़वाली पंडित ने, जो उत्तर आपने दिया था उसके बाद फिर से समझा। अच्छा, फिर दिल्ली में 7 नंबर कोठी है, वहाँ तो मैं 25 साल से गया नहीं, पाँव रखता ही नहीं। जो भी धर्म संघ आदि से संबद्ध स्थान है कहीं मैं जाते ही नहीं। जाने से लोगों को होगा कब्जा करने आ गए, मुझे ब्रह्मलोक भी देना चाहो तो मैं कब्जा करने वाला हूँ नहीं। लेकिन गया। शंकराचार्य होने के पहले की बात होगी या बाद की, इतना ध्यान नहीं। ये साथ में थे, लेकिन जो समय की घटना उस समय साथ ऊपर थे, यानी मैं छत पे था, कुछ लिख पढ़ रहा था। एक पंडित जी आ गए, शिष्ट पंडित थे, और जैसा कि बाद में पता चला कि व्याकरण के ख्याति प्राप्त दिल्ली में पंडित थे गढ़वाली। ये भी पता चल गया कि हमारे मित्र सरीखे, अब तो ब्रह्मलीन कहना पड़ता है, माधवाश्रम जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए उनको भेजा था। उन्होंने, परंतु पंडित ने जी ने शिष्टाचार का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आप वेदांत पर बोलते हैं, तो मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ कि रस्सी में सर्प का दर्शन होता है, उस सर्प को आप लोग मिथ्या मानते हैं, मान लो चित्र में लिखे हुए सर्प को देखा किसी ने, तब उसके चित्त में उस सर्प का संस्कार पड़ा, उसी से रस्सी में सर्प का दर्शन हो गया, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं असली सर्प तो होगा ही ना। चित्रकार ने कागज़ पर दीवार पर ही सही चित्र बना दिया सर्प का, कभी न कभी किसी न किसी ने वन में, बिल में, मैदारी के पिटारी में असली सर्प को तो देखा होगा। अगर असली सर्प होता ही नहीं विश्व में तो भ्रम भी कैसे होता? तो जब आप लोग जगत को मिथ्या कहते हैं, तब प्रश्न उठता है कभी न कभी तो कोई असली जल जगत रहा होगा, या कहीं न कहीं तो असली जगत होगा क्या? यहाँ तो मिथ्या सर्प है रस्सी में, पिटारी में, मदारी के पिटारी में, जंगल में, बिल में, या जंगल में घूमता हुआ कहीं न कहीं असली सर्प होगा ना। इस शंका का समाधान चाहता हूँ। भाषा ऐसी थी मानो जिज्ञासु हैं, लेकिन हम लोग मनोविज्ञान भगवत कृपा से खूब बढ़िया जानते, हमने समझ गए लिया कि किन्होंने भेजा। हमने कहा दार्ष्टान्तिक में आप रस्सी के स्थान पर किसको मानोगे? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहोगे ना, तो रस्सी के स्थान पर ब्रह्म को मानोगे। यहाँ तो रस्सी का क्षेत्रफल सीमित है, तो कहीं ना कहीं उस रस्सी के क्षेत्रफल देश, जिस देश में जहाँ रस्सी है, उस स्थल के अतिरिक्त सर्प असली रह लेगा। लेकिन अब रस्सी के स्थान पर दार्ष्टान्तिक में जब आप ब्रह्म को मानोगे, तो जगत रूप सर्प को रहने का कोई ठौर ठिकाना बचेगा क्या? तो कहा नहीं। तो हमने कहा समझ लो। तो कहा महाराज, हमसे भूल भी, हमको कुछ सीखना चाहिए था, हम असल में किसी से प्रेरित होकर परीक्षा लेने आ गए। हमने कहा परीक्षा लेने वालों को स्वयं भेज देते, आप क्यों आए? आए तो आए, इसी बहाने ठीक हो गया ना। कल तो ये भी कहा था कि रस्सी के अंदर सर्प है, रस्सी के बाहर है, रस्सी के बाहर है, नहीं ना? जब हमको रस्सी में सर्प दिखता तो रस्सी के बाहर, रस्सी में कोई बिल में सर्प जैसे घुसता वैसे घुसा हुआ है, रस्सी को चाकू या कुछ चीरो वहाँ दिख कहीं सर्प घुसा हुआ मिलेगा नहीं ना? तो ना अंदर है ना बाहर, और है
दिखाई पड़ता है तो अपलाप नहीं कर सकते, अज्ञानवश रज्जुघ्न ही सर्प के रूप में परिलक्षित होता है। ऐसे ही ब्रह्म के अंदर संसार है या बाहर, ब्रह्म के बाहर तो कुछ रह ही नहीं सकता, और ब्रह्म कोई आकाश के समान पोला नहीं है कि ब्रह्म में रहेगा, तो न अंदर न बाहर फिर दिखता है। इसकी संगति क्या है? रज्जु ब्रह्म घन ही सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म घन ही जगदाकार भाषित हो रहा है। इसीलिए वैष्णव लोग क्या बोलेंगे, निमाई जी अभी हो गए हैं सहिष्णु हो गए क्योंकि इनके सामने कठिनाई है कि रामचरितमानस की कथा कहते हैं, और रामचरितमानस में शंकराचार्य का ही सारा सिद्धांत, इसीलिए कोई भी रामायणी होगा और शंकराचार्य का खंडन कर देगा तो रामायणी सिद्ध ही नहीं होगा। क्यों? मुधा भेद यद्यपकृत माया, मायाकृत परमार्थ नाहीं, यद्यपि मिसात्यु काल में भ्रम न सकई कौटार। इसी प्रकार से क्या कहा? रज्जौ यथा हेर भ्रमा हम, ये कहा या नहीं? जीव क्या है? जीव कोई कि ईश समान, और जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहो कस, जासु सत्यता ते जर माया, भास सतीव मोह सहाया क्या ये सब वचन ऐसे हैं जिनको हम शंकराचार्य के अतिरिक्त बने उपनिषद सिद्धांत, और उपनिषद सिद्धांत के अतिरिक्त कहीं बैठा नहीं सकते। इसका मतलब तुलसीदास जी को कोई मानेगा तो द्वैतवादी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, न विशिष्टाद्वैतवादी हो सकता है न कोई और। इसको शंकराचार्य का ही पूरा का पूरा पक्ष मानना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे थे? जगत ब्रह्म में दिखता है या ब्रह्म के बाहर? ब्रह्म घन ही जगदाकार भाषित होता है। तो वैष्णव लोग क्या कहेंगे? भाषा का अंतर है, हम पे कोई नाराज क्यों नहीं होता? हम वैष्णवों के बीच में होते छल नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णवों के ट्यून में, शैली में, लहजे में हम बोलते हैं, वो लट्टू हो जाते हैं। शैली का ही अंतर है। वैष्णव लोग क्या कहते हैं मालूम है? वृंदावन में बोलना होगा हमको तो कैसे बोलेंगे? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, अब सब वैष्णव लट्टू हो जाए, वाह वाह कितना बढ़िया कहा। और वेदांतियों के बीच में बोलना होगा तब आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है, वहाँ भावना बोलो यहाँ भ्रम बोलो, गाली नहीं मिलेगी और सदा तद्भाव भाविता गीता है। कोई कहेगा कि हमको बरगला नहीं, अरे सदा तद्भाव भाविता की मैं व्याख्या कर रहा हूँ वैष्णवों के बीच में बोलिए। हाँ तो क्या कहना चाहिए? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, अब वैष्णव लोग लोटपोट हो जाएंगे। महाराज बिल्कुल पक्षपात नहीं करते। अब वेदांतियों के बीच में बोलना होगा तब आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है, वहाँ भावना कहेंगे या भ्रम कहेंगे कहीं गाली नहीं मिलेगी। और जहाँ भावना कहनी चाहिए वहाँ भ्रम कह देंगे तो गाली परे बिना नहीं रहेगी, बात तो वही है। इसीलिए हो गया। हाँ हम तो सोचे रहे थे अब बजरेंगे ये, हाँ बजरंग वाली क्या? हाँ कहिए गुत्थी। द्वैत के बिनु अज्ञान आगे हाँ हाँ फिर इसमें प्रश्न क्या है? वहाँ तो क्रोध की होई द्वैत बिनु, लेकिन आगे समाधान है, अतिशयर अगर करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते वही समाधान आगे की पंक्ति में वही समाधान है। हाँ आगे बोलिए क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन लेकिन उसमें आया है मूला विद्या तूला विद्या लेसा विद्या। लो जी क्या
अज्ञान के भेद होते हैं। मूला अज्ञान को अविद्या कहते हैं ना, मूला विद्या, तूला विद्या, उसी को लेसा विद्या भी कह देते। मूला विद्या, मूल अविद्या, तूला विद्या, हल्की फुल्की अविद्या, क्या उसी को क्या कहते हैं, लेसा विद्या। तत्वज्ञ के जीवन में प्रारब्ध रहता है या नहीं, प्रारब्ध कर्म विशेष है या नहीं, तो कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है, ये भी कहा तुलसीदास जी या नहीं, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। तो तत्वज्ञ के कर्म अकर्म हो जाते हैं, तो प्रारब्ध का फल तत्वज्ञ को भी भोगना पड़ता है या नहीं, देखिए उनकी दृष्टि में कर्म के होते अकर्म रूप हो जाते हैं। तो अविद्या का कार्य होता है काम, काम का कार्य होता है कर्म। रस्सी क्या अज्ञान हुआ या विद्या है, अब रस्सी में हमको सुनहरी माला दिखी, हम हैं लोभी, कोई देख तो रहा ही नहीं है, किसी के जेब तो काट नहीं रहे, किसी के घर में सेंट तो नहीं डाल रहे, अब सुनहरी माला हथिया लें, कामना हुई, फिर कर्म उसकी ओर लपकने के लिए भगे, अब रस्सी का ज्ञान हुआ वह विद्या है, उसमें हमको सर्प दिखा, हम डरपोक हैं, सपेरा भी नहीं है, मांत्रिक भी नहीं है, और लगा कि ये सर्प तो बिल्कुल सोया हुआ भी नहीं, ऐसे है वो फुफकारता। अब हमने क्या किया भाई, इसके चपेट से मुक्त होना चाहिए, ये कहीं दौड़े नहीं, तो हमको हमारे मन में भगने की इच्छा हुई, हम भगना प्रारंभ कर दिए। तो ये जो लेस प्रारब्ध है वो लेसा विद्या का फल है। इसलिए तत्वज्ञ के जीवन में बंधन में अहेतुभूत लेसा विद्या शेष है, क्योंकि प्रारब्ध का उपादान कौन होगा, अज्ञान ही होगा ना, कर्म विशेष है, लेकिन इनका तो अज्ञान नष्ट हो गया, लेसा विद्या, इसीलिए उसको कहते हैं क्षणिक। ऐसा क्रोध आपने कहा ना, तो इतने क्यों है, क्रोध के स्थान पर काम रख के बोलिए, क्या बोलेंगे, काम की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। अब काम के स्थान पर कदाचित भय बोल रख दीजिए, तो भय की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। लोभ रख दीजिए, लोभ भी तो बिना द्वैत बुद्धि के संभव ही नहीं है। इसीलिए फिर बहुत बढ़िया पंचदशीकार ने कहा, अब किसी तत्वज्ञ को प्यास लगी तो पानी पीने की इच्छा हुई या पानी पीने का काम हुआ, अध्यास मूलक आविद्यक इच्छा का नाम काम है। चिज्जड़क ग्रंथ मूलक, चिज्जड़क ग्रंथ यद्यपि मिसा छूटत कठ नहीं, जड़ चेतने ग्रंथ पर गई, तत्वज्ञ के जीवन में इच्छा हो सकती है करोड़ों, लेकिन तत्वज्ञ के जीवन में काम नहीं होता। काम निबंधक है, इच्छा निबंधिका नहीं है। काम माने जड़ के गुण को चेतन पर, चेतन के गुण को जड़ पर मरकर अन्योन्याभ्यास मूलक जो इच्छा होती है उसका नाम काम होता है। इसी प्रकार से अब सुनिए, क्रोध की द्वैतक बुद्धि में, लेकिन ये भी लिखा है ना मानस में, सुन रहे हैं ना, निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जो क्रोध निर्वाणप्रद होता है उस क्रोध का नाम क्या होगा, क्रोधाभास होगा या क्रोध होगा। क्रोध तो यहाँ भी है, अब द्वैत बुद्धि मूलक है या नहीं। निर्वाणदायक क्रोध जाकर, निर्वाण माने आश्रय को शीतल करे और विषय को भी शुद्ध कर दे। अग्नि का स्वभाव क्या होता है, जिस अधिकरण में प्रकट हो उसको जला दे, दग्ध कर दे, और रुई इत्यादि में पड़ जाए तो विषय को भी दग्ध कर दे, कभी कभी पानी में पड़ जाए माचिस की तिल्ली जलती हुई, तो विषय पर कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना क्रोध नहीं रहता है। लेकिन फिर इस क्रोध की संगति कहाँ ले जाएंगे, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन जो कहा वहाँ क्या कहा, निर्वाणदायक क्रोध जाकर, तो निर्वाणदायक क्रोध जाकर है या नहीं। तो क्रोध जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, आश्रय विषय को शीतल करने वाली वाणी बोलिए। अब यहाँ आश्रय विषय को शीतल करने वाला क्रोध कीजिए, कर सकता है कोई संसारी व्यक्ति,
इसीलिए तत्वज्ञ अतिशय रगड़ करने पर क्षणिक पूर्वाभ्यास के कारण क्षणिक उनमें द्वैत बुद्धि का आधान होता है, लेकिन वो जो क्षणिक द्वैत बुद्धि होती है वो निबंधक नहीं होती, व्यवहार साधक होती। काम की परिभाषा चिज्जडक ग्रंथि मूलक जो इच्छा है उसका नाम काम है। चिज्जडक ग्रंथि के भेदन के बाद जो ये काम है उसका नाम इच्छा है। इच्छा निबंधिका नहीं है, काम निबंधक। चिज्जडक ग्रंथि, चिज्जडक ग्रंथि मूलक। अब चिज्जडक ग्रंथि को तो मिथ्या समझे हुए वो क्या चिज्जडक ग्रंथि मूलक, इसका मतलब चिज्जडक ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? जड़ चेतन की गांठ तो पढ़ ही नहीं सकती। चेतन तो निरवयव है, जड़ जड़ है, सावयव है, सावयव निरवयव का की तो गांठ हो ही नहीं सकती है। मिथ्या होने पर भी संसारी व्यक्ति जो इस तथ्य को नहीं जानते हैं उनके जीवन में चिज्जडक ग्रंथि है। इसका मतलब चेतन के गुण धर्म को बुद्धि आदि जड़ पदार्थ पर न मरना, बुद्धि आदि में जो हलचल इत्यादि है उसको चेतन पे न मरना, दूध का दूध पानी का पानी, इसका नाम है चिज्जडक ग्रंथि का भेदन। जिनके जीवन में चिज्जडक ग्रंथि का भेदन हो गया है, चिज्जडक ग्रंथि का परिचय क्या दिया गया संक्षेप शारीरक आदि में, निसंधि निबंधनात्मिका चिज्जडक ग्रंथि। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते थे है संक्षेप शारीरक आदि में, ऐसी गांठ जिसकी संधि न दिखाई पड़े उसको खोलना कठिन है या नहीं? निसंधि निबंधनात्मिका यद छूटत कठिनई, कहाँ से लिया तुलसीदास जी ने? प्राचीन ग्रंथों से। निस्संध निबंधनात्मिका चिज्जडक ग्रंथि, हाँ छूटत कठिनई। क्यों? संधि का दर्शन ही नहीं होगा तो खोलोगे कैसे? निस्संध निबंधनात्मिका बंधन में डालने में समर्थ है पर खोलने में बहुत कठिन है, क्योंकि संधि दिखे तब तो खोलूँ। तो इसका मतलब चिज्जडक ग्रंथि मूलक माने अन्योन्याध्यास मूलक। चिज्जडक ग्रंथि मूलक माने अन्योन्याध्यास मूलक जब इच्छा होती है उसका नाम काम होता है। इसीलिए पंचदशीकार ने कहा जिस कोटर में आग है उस वृक्ष की शोभा कब तक? वो आग तो फिर पूरे वृक्ष को जलाए बिना नहीं रहेगी। इसी प्रकार जिस अंतःकरण में क्या है, क्रोध है, वो तो पूरे क्रोधी को नष्ट किए बिना नहीं रहेगा। परंतु यहाँ पर कहा गया पंचदशी में ठीक है, काम जो होगा चिज्जडक ग्रंथि मूलक जो काम होगा वो बंधन में हेतु होगा, लेकिन तत्वज्ञ के जीवन में चिज्जडक ग्रंथि मूलक काम होता नहीं। लेकिन प्राण के योग से, प्रज्ञा के योग से भूख प्यास लगती है, भूख प्यास लगती है तो उसको बिटाने के लिए पानी पीने भोजन करने की आवश्यकता भी होती है। ये पानी पीने में प्रवृत्ति, भोजन करने में प्रवृत्ति जो है ये इच्छा है या काम है? सो कामयत में भी वो काम शब्द इच्छा के अर्थ में प्रयुक्त है। इच्छा बंधन में हेतु नहीं है, काम बंधन में हेतु है। चिज्जडक ग्रंथि मूलक जो इच्छा है क्या है उसका नाम काम है। चिज्जडक ग्रंथि भेदन के बाद जो काम है इसका नाम इच्छा है। इसलिए क्षणिक क्रोध का आवेश हो सकता है, मोहिनी के प्रति भगे हैं या शिव जी, लेकिन तत्काल स्थिर हो गए या नहीं? तो मोहिनी के प्रति भगना जो है वो काम का द्योतक है या नहीं? नहीं, कामुक तो माने जाएंगे ना प्राकृतिक रीति से, लेकिन क्षण भगवान शिव तो परमात्मा हैं, जीव नहीं है, लेकिन उनके हृदय में भी मोहिनी के प्रति आकर्षण हुआ, भगे, मोहिनी हाथ नहीं लगी, फिर ज्यों के त्यों निर्विकार स्थित हो गए। इसीलिए बहुत बड़ा कांड चला था। जय दयाल गोविंदका जी कहते थे अगर कोई तत्वज्ञ हैं सचमुच में उनमें काम हो ही नहीं सकता तो दाइयाँ माइयाँ पाँव दबावें सेवा करें, इसमें क्या आपत्ति है? सचमुच में कोई तत्वज्ञ हैं तो पूज्य गुरुदेव ने कहा धोखा खाओगे।
धोखा खाओगे सेठ जी, ऐसा मत कहा करो। तुम्हें वेदांत का ज्ञान परंपरा से नहीं है, उधर से पढ़े हो। तत्वज्ञ में भी क्षणिक काम का आवेश हो सकता है, लेकिन वो फिर संभल जाता है क्या। इसलिए पूर्वाभ्यास से क्या, पूर्वाभ्यास से क्या होता है, भूतपूर्व दृष्टि से पूर्वाभ्यास से कभी काम का कभी क्रोध का आवेश हो सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। वो कैसा होता है, एक मिट्टी पे ऐसे या पत्थर पे लकीर डालिए, एक पानी पे लकीर डालिए उंगली से, दोनों लकीर में क्या अंतर है, और एक आकाश में हो आकाश है ये, समझाने के लिए हमने ये लकीर खींच दी। अब वो लकीर कुछ पानी में तत्काल तो लकीर का दर्शन होगा, लेकिन और यहाँ पत्थर पे लकीर डाल दें, पत्थर की लकीर, पानी की लकीर और आकाश की लकीर, आकाश की लकीर भगवान, लकीर भगवान में रामकृष्ण आदि में, और पानी की लकीर तत्वज्ञ में, और वो जो हैं और जो लोग हैं जो भी हों, यहाँ तो शायद कोई नहीं होंगे उनके जीवन में जो काम हैं आक्रोध हैं ये सब, इसका अर्थ क्या होता है, तत्वज्ञ के जीवन में जो काम होता है, इच्छा होती है, क्रोध, वो अंतःकरण पे संस्कार डालने में समर्थ नहीं। संसारी व्यक्ति के हृदय में जो कामक क्रोध आदि होता है, वो तो उस समय जो कष्ट दे दे, लेकिन वो बाद में संस्कार का भी आधान करने में समर्थ। तत्वज्ञ के जीवन में जो इच्छा इत्यादि होती है, वो संस्कार का आधायक नहीं होती। अंतर हो गया, रामायण हम भी हो गए वो जो बाद में ये कहा कि माया उस परिश्रम ने जड़ा जीव की समान, तो ब्रह्म तो माया ऐसा है ना, जीव अनेक एक श्रीकंता औपाधिक बात है या नहीं, भगवान श्रीकंता में श्री क्या है, यही तो माया है। श्रीकांत क्यों कहा भगवान को तुलसीदास जी ने, श्री माने भगवान की माया विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति एक है, उसमें रजोगुण तमोगुण तारतम्य का आधान करने में भेद करने में समर्थ नहीं है। जीव अनेक का मतलब जीव की जो उपाधि है अविद्या वृत्ति भेद से अंतःकरण संस्कार भेद से पृथक पृथक है। अभिव्यंजक संस्थान में भेद होने के कारण अभिव्यंग ब्रह्म जीव होकर जब प्रकट होता है तो अनेक होता है। भगवान जो है ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन उसका अभिव्यंजक संस्थान जब श्री होती है, विशुद्ध सत्व जो होता है वह रजोगुण तमोगुण मूलक तारतम्य घटित नहीं होता, इसलिए ईश्वर एक होते हैं। अभिव्यंग में भेद है ऐसा नहीं, अभिव्यंग माने ब्रह्म, अभिव्यंजक माने उधर माया इधर अविद्या, अभिव्यक्त माने उधर ईश्वर इधर जीव। इसलिए जीव की इस समान अगर ऐसा हम लोग न मानते, समझ गए, तो भागत्याग लक्षणा करके हम जीव और ईश्वर में एकत्व कैसे सिद्ध करते। औपाधिक धरातल पर जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर ही है। ब्रह्मसूत्र में यहाँ लिखा है कि जीव ब्रह्म तो हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। क्या सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहारण हम लोग कहाँ मानते हैं कि हम ईश्वर हैं, लेकिन जब अधिष्ठानात्मक ब्रह्म हो गए तब योग्यता अधिष्ठान ही हो गए ना, ब्रह्म ही हो गए, तो जीव ईश्वर जगत एक ब्रह्म के तीन रूप से अभिव्यक्ति होती है। इस दृष्टि से तो ब्रह्म तत्व जो है ईश्वर भी हो गया, जीव भी हो गया, जगत भी हो गया, क्योंकि सर्वात्म रूपता तो तब होगी ना जब ईश्वर भी हो जाए जीव भी हो जाए। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर तात्विक दृष्टि से वो ईश्वर भी हो गया, जीव भी हो गया, जगत भी हो गया, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर ईश्वर ईश्वर ही रहते हैं, जीव जी ही रहता है। ईश्वर में प्रारब्ध नहीं होता, जीव प्रारब्ध के वशीभूत होता है तत्वज्ञ होने पर भी। तत्यनुकंपांशु सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतक विपाकम आ गए है दाय भाग मुक्तिपदे से दाय भाग मुक्तिपद में मन विदेह कैवल में हेतु है। तो जीव जो होता है भूतपूर्व जीवत्व का
लेप चेप रहता है, क्योंकि प्रारब्ध शेष रहता है। क्या भगवान में भूतपूर्व जीवत्व भी नहीं होता, और तत्वज्ञ में वो मानता है कि पहले भी जीव नहीं था, सुनित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, लेकिन अज्ञान कृत जो अनर्थ होता है वो वास्तविक होता है या अवास्तविक? अवास्तविक होता है, लेकिन अज्ञान कृत अनर्थ के चपेट में पड़े थे ना, इसलिए प्रारब्ध जब तक है तब तक लेशा विद्या है। लेशा विद्या का अर्थ क्या होता है? प्रारब्ध के उपादान भूता अविद्या। मूला विद्या क्यों नहीं कहेंगे उसको? क्योंकि अविद्या ब्रह्म तत्व के ज्ञान से, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से अविद्या का तो नाश हो गया। अविद्या निबंधन में डालने वाली अविद्या का नाश हुआ है। अब उस अविद्या का नाम हो गया लेशा विद्या, लेश मात्र। लेश मात्र जानते हैं, किसी बर्तन में हींग आदि हींग डाल दें क्या, हाँ, या सिलवट पर प्याज डाल करके चटनी बनावें, अब वो चटनी ले लीजिए, प्याज खाने वाले अब सिलवट को कहें धो दें, अब उसमें पुदीना आदि डाल करके फिर चटनी बनावें, उसमें कुछ प्याज का अंश आएगा नहीं। जिस बर्तन में देवता ही मैं कहूँगा मछली बनाते हैं, उसमें कोई शाकाहारी महात्मा आ गए, महाराज बिल्कुल मैंने उसको ठीक ठाक कर धो दिया, उसमें कुछ न कुछ तो मछली का गंध आए बिना नहीं रहेगा। इसी का नाम है लेशा विद्या, लेश मात्र। क्या? लेश मात्र विद्या, क्योंकि कर्म है तो उसके मूल में आपको अविद्या माननी पड़ेगी। कर्म है तो यद्यपि आत्म तत्व के विज्ञान से प्रारब्ध के मिथ्यात्व का निश्चय हो चुका है, लेकिन जो बाण छोड़ चुके या जो वाणी बोल चुके हैं उस पर कितना भी पानी फेरने का प्रयास करो वो तो अपना काम कर ही चुके। इसी प्रकार से जिस प्रारब्ध के अधीन अंतिम सांस तक की अवधि है, वो जो प्रारब्ध है वो लेशा विद्या उसका उपादान है। प्रारब्ध के उपादान भूता जो अविद्या है उसका नाम लेशा विद्या है। उस लेशा विद्या से युक्त होने के कारण तत्वज्ञ की कुंठा बनी रहती है। फिर उसका समन्वय क्या है? ये सब बहुत गंभीर विषय है। उसका समन्वय क्या है? एक है स्वभाव, एक है प्रभाव, एक है स्वरूप। कहाँ से बोल रहा हूँ? गीता का 7वां 12वां अध्याय। तत्वज्ञ जो होता है वो ब्रह्म को अपना स्वरूप जानता है या नहीं? तो ब्रह्म का स्वभाव तो उसमें आ जाएगा, ईश्वर का प्रभाव नहीं आएगा, आंशिक आएगा। ईश्वर का स्वभाव क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे वचः है या नहीं? सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतानां करुण, ये ईश्वर का स्वभाव है या जीव का? जब स्वरूप एक हो गया तो स्वभाव में एकत्व हो ही गया। हेतु रहित जगजुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तो स्वभाव हो गया या नहीं? ईश्वर वाला प्रभाव जो है आंशिक होगा। प्रभाव आंशिक क्या होगा? क्या लिखा है विश्वामित्र आदि में? सृष्टि भी रच लेते थे आंशिक। इसी प्रकार क्या लिखा है? भूतिकाम जो है मुंडक अर्चयत भूतिकाम, जिसको विभूति चाहिए, वैभव चाहिए या संकट निवारण चाहिए, अर्थ अर्थार्थी, वो ब्रह्मनिष्ठ की सेवा करे। ब्रह्मनिष्ठ कुछ बोलें या न बोलें, वो जो है ब्रह्म जीव ईश्वर जगत सब की घाटी को पार करके जो ब्रह्म है प्रकृति पार प्रभु, उससे एकीभूत हो गए हैं। वो कुछ बोलें या न बोलें, विभूति की इच्छा रखने वाला सेवा करेगा तो विभूति उसको मिलेगी। अर्चयेत भूतिकामः, इस प्रकार से आंशिक प्रभाव भी ईश्वर का आ जाता है, लेकिन समग्र ईश्वरता ऐश्वर्य भगवान में ही रहता है, वो जीव में नहीं। कोई वेदांती नहीं कहते कि मैं ईश्वर हो गया, वो तो असुर का लक्षण है। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, वो देवता तत्वज्ञ का लक्षण है, असुर का लक्षण है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ये निशाचर का लक्षण है, ब्रह्मनिष्ठ का। अहम ब्रह्मास्मि तो कह सकते हैं, ईश्वरों हम कहेंगे समझ लीजिए कोई असुर है। ससुर, असुर ससुर जानते हैं,
एक कवि गोष्ठी जब पढ़ावे हैं, ये सब भी बहुत सूक्ष्म विषय था। एक कवि सम्मेलन में निराला जी भी थे, समझ गए। निराला जी जरा इनके समान नहीं थे गायक, अपनी कविता पढ़ दी। एक और कोई विशिष्ट कवि थे, उनका नंबर आया। उन्होंने कहा असुर माने स्वर से नहीं बोले, उन्होंने कहा ससुर जी अब बोलेंगे। निराला जी ने कहा अब तक असुर का आपने सुन लीजिए, अब उनके ससुर जी का बोलना आप सुनिए। निराला जी ने दाग दिया, असुर को ससुर बना दिया। ये हुआ, अब तक असुर जी बोल रहे थे, अब ससुर जी बोले। निराला जी बड़े विचित्र थे। एक मंच पर नेहरू जी बैठे थे, वो फक्कर बिल्कुल अद्भुत, पीछे से जाकर एक थपके मार गए नेहरू जी के पीठ पे। निराला जी आ रहे हैं, किसी को रोकने का साहस नहीं हुआ। नेहरू जी प्रवचन कर रहे थे, एक चाटा मार दिया पीठ पे, अब भगे। क्या नेहरू जी तो बहुत विचित्र है ना, रो ताप वाला। निराला जी पीठ के भगे, ओ अरे सम्मान करो सम्मान करो। वैसे भी करते बहुत बिकट। अच्छा बैठ बैठ, ये निकेश जी के पिताजी हैं, बैठ बैठ, अभी पाठ चल रहा। हाँ क्या हुआ, चलो एक पंक्ति तो हो जाए कम। कितना समय हो गया, 11:30। ठीक, कहाँ था, पहली पंक्ति थी ना। मिमतम प्राक अभिव्यक्त्या सदभिव्यक्ति विषयत्वात् यद्यभिव्यज्यते तत्प्राक् सत् संप्रतिपन्नवत् इत्यर्थ। जो भी अभिव्यक्त होता है उस अभिव्यक्ति की के पूर्व भी उसका अस्तित्व अवश्य होता है, यह कहा। तो यह जो है रज्जु सर्प कहें, सुक्ति रजत कहें या मृदघट हैं, ये सब भी अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व अस्तित्व संपन्न होते ही हैं। कदाचित इनका अभिव्यक्ति के पूर्व अस्तित्व ही नहीं होता तो वही कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में उनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए पहले से विद्यमान होते हैं, अब किस रूप में होते हैं, उनके उनकी अभिव्यक्ति की विधा क्या है, इसको जानने की आवश्यकता। ननु तमोन्तस्थो घटो अभिव्यंजक सामिप्यात अभिव्यज्यते न तत्र प्राक्कालीनम सत्वम प्रयोजकम इत्याशंक्या नहीं तब घटादि कार्यम कदाचित अपि अविद्यमानम इत्युदित आदित्य उपलब्धिये। अपूर्व पक्ष की प्राप्ति हुई कि तुम्हारे मत में तो घटादि जो कार्य हैं ऐसा नहीं कि कभी न रहे हों, तब फिर क्या कहा, ननु तमोन्तस्थः घटः अब अभिव्यंजक सामीप्यात अभिव्यज्यते, अभिव्यंजक के सामीप्य होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति होती है। न तत्र प्राक्कालीनं सत्वं प्रयोजकम् इत्याशंक्या ननु तमोन्तस्थो घटो अभिव्यंजक सामीप्यात अभिव्यज्यते। अब कहते वहाँ तो केवल प्रकाश की अपेक्षा है ना, तमस से आच्छादित घट की तो विद्यमानता समझ में आ जाती है। प्रकाश के द्वारा उस तमस का पुनोदन हो जाने पर घट का दृष्टिगोचर होना, यही उसकी अभिव्यक्ति है, मान लिया। अब तुम्हारे मत में तो घट सदा है, तो जहाँ पर कोई तमस नहीं है, दीवाल आदि की ओट नहीं है, कोई परात आदि काली काले कलूटे कपड़े से कोई आवृत नहीं है, तो वहाँ और मिट्टी भी रखी है, वहाँ तो पहले से विद्यमान होने के कारण, उत्पत्ति के पूर्व भी अस्तित्व होने के कारण घट का दर्शन होना चाहिए, क्यों नहीं होता। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कि आवरण के समग्र स्वरूप को जाने बिना यह बोलते हो। यह
नहीं इति नहीं तब घटादि कार्यम कदाचिदपि अविद्यमानम। तुम्हारे यहाँ तो घटादि कार्य कोई कभी ऐसा नहीं, त्रिकाल में विद्यमान है ना, उत्पत्ति के पूर्व अस्तित्व है, माने पहले भी था, उत्पत्ति होने पर अस्तित्व है, भंग हो जाएगा तो अभी रहेगा, तो सदा क्या है नहीं अविद्यमानो घट आज ऊपर वाला पहले पहले पहरे का तो नहीं अविद्यमानो घट उदिते आदित्य उपलभ्यते, वो तो उत्तर पक्ष हुआ। नहीं विद्यमानो अविद्यमानो घट है, अविद्यमान जो घट है आदित्य के उदय होने पर भी उपलब्ध नहीं होता, लेकिन पूर्व पक्ष कहता है कि होना चाहिए, अविद्यमान क्यों कहते हो, जब कार्योत्पत्ति के पूर्व ही कारण का कार्य का अस्तित्व है तो अविद्यमान आपके यहाँ कौन सा शब्द रह गया। एक और कहते हो कि घट का सत्व घटोत्पत्ति के पूर्व भी है, कभी भी घट अविद्यमान नहीं होता, सदा अस्तित्व का अर्थ ही हुआ ना, कभी अविद्यमान नहीं होता, जब विद्यमान ही होता है तो प्रकाश जहाँ पर है तम से आच्छादन नहीं है तो वहाँ पर तो उपलब्ध होना चाहिए था। तो कहते भाई कार्य की उत्पत्ति के पूर्व जो कार्य की विद्यमानता है उस विद्यमानता में और वो कार्य उत्पन्न हो जाने पर जो विद्यमानता है, दोनों में अंतर है या नहीं, क्या विद्यमान और विद्यमान में अंतर है या नहीं, विद्यमान और विद्यमान शब्दन एक पैसरी तो ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व भी कार्य की विद्यमानता होती है, उस विद्यमानता में और कार्योत्पत्ति के अनंतर विद्यमानता में कुछ भेद है या नहीं, और कार्य भंग हो जाने के बाद कार्य की विद्यमानता में भी अंतर है या नहीं, इसलिए विद्यमानता के स्वरूप को न समझ करके तुम आरोप कर रहे हो कि यहाँ तमस नहीं है, दीवार के ओट नहीं है, वस्त्र आदि से घट ढका भी नहीं है, अब क्यों नहीं घट की उपलब्धि होती है। इसका उत्तर है कि उपलब्धि विद्यमानता में भेद है, विद्यमानता में भेद होने के कारण, विद्यमानता में भेद होने के कारण उपलब्धि के अनुकूल विद्यमानता, अनुपलब्धि के अनुकूल विद्यमानता क्या हाँ अनुपलब्धि के अनुकूल, जब मिट्टी के रूप में ही घट है तो अनुपलब्धि तो है, या अनुपलब्धि होने पर भी घट का अस्तित्व है या नहीं, सब जगह अनुपलब्धि अभाव का ही प्रयोजक हो या नहीं, आकृति विशेष की अनुपलब्धि है या घट की ही अनुपलब्धि है। हाँ ये अब बुद्धि सूक्ष्म है या हो गई या नहीं, पढ़ते पढ़ते हो जाते सूक्ष्म, अनुपलब्धि किम मूलक है, आकृति मूलक है, आप कहते हो स्वरूप मूलक है, स्वरूप मूलक नहीं है, अनुपलब्धि अभाव का प्रयोजक है, जिसकी उपलब्धि नहीं होती मानो है ही नहीं, ये जो है इसमें उपलब्धि अनुपलब्धि, तो यहाँ जब यहाँ घट नहीं है कह सकते क्योंकि यहाँ उपलब्धि नहीं है, इस समय घट नहीं है कह सकते इस समय घट नहीं है, ये तो कह सकते पहले कहे या नहीं, इस समय घट नहीं है, इस समय घट नहीं है, यहाँ घट नहीं है और घट नहीं है मंत्र हुआ या नहीं, क्या है देश को लेकर स्थान को, इस समय यहाँ घट नहीं है, काल को लेकर इस समय घट नहीं है, घट नहीं है ये नहीं कह सकते क्या, इस समय घट नहीं है, यहाँ घट नहीं है, इस काल में मन इस समय मन काल, इस काल में घट नहीं है, यहाँ घट नहीं है, तो देश विशेष में काल विशेष में घट के अभाव की सिद्धि हो रही है या घट का अभाव सिद्ध हो रहा, हाँ यह हुआ ना, बहुत सूक्ष्म बात है ना, ये सब पढ़ने से क्या लाभ होता है निकेश जी, व्यवहार में परमार्थ तो सब बन ही जाता है, हाँ बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती, ठीक, इसीलिए आजकल निंदा नहीं कर रहा, उन लोगों की कोई भूल नहीं है,
हमारी शिक्षा पद्धति जो विकृत कर दी अंग्रेजों ने, हमारी बुद्धि को ही नष्ट कर दी। देहात्मवादियों की बुद्धि कहाँ सूक्ष्म हो सकती है? जब ऋषियों के पास ये बुद्धि थी और अपनी बुद्धि से अधिक कुंठित कर दी हमारी बुद्धि को अंग्रेजों ने। माने हमको बहुत एकांत में आश्चर्य होता है, शराबी कबाबी गोमांस खाने वालों की बुद्धि को जब उन्होंने शासन किया तब से लेकर, नहीं तो स्वतंत्र भारत में 70 वर्षों से कोई राजनेता ऐसा नहीं कि परख ले कि हम मारे हुए अंग्रेजों की कूटनीति, अंग्रेजों की कूटनीति को अभिशाप न समझकर वरदान समझते हैं। जो प्रधानमंत्री आते उसी को हाँकते चलते हैं। माने कितना गुलाम बंडा रखा है। एक बार हमने सोचा बिहार का एक व्यक्ति माइक दे दो तो 2 घंटे माइक नहीं छोड़ेगा, इतना पढ़ा लिखा मेधावी होता है आजकल भी। उत्तर प्रदेश में एक से एक बुद्धिमान पड़े हैं। अमुक अमुक जनाबे आलम मुख्यमंत्रियों ने कैसे इतने साल शासन किया बिहार उत्तर प्रदेश में बुद्धिजीवियों के रहते हुए। तो हमने सोचा हो IPS हो, IAS हो, व्याकरणाचार्य हो, MA हो, MSc हो, जो मुख्यमंत्री होते हैं अपनी बुद्धि से घटिया स्तर बना देते हैं सब। अंग्रेजों ने ऐसी प्रक्रिया चलाई कि उनकी बुद्धि तो सूक्ष्म रहे, भारतीयों की बुद्धि इतनी स्थूल हो जाए, इतने बुद्धू हो जाएं कि अंग्रेजों की कूटनीति को वो वरदान समझें, अभिशाप न समझें। यही ना, इसीलिए अब इन सब बुद्धि से, इन सब बुद्धि के द्वारा फिर व्यक्ति को आर पार दिखाई पड़ता है। अभी सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं धावा बोलूँगा 2-4 दिन। अभी तो 15 दिनों से निभाई जी, अभी मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा मालूम है? 15 दिनों से 5-5 मिनट 3-3 बार बाई आँख फड़क रही। तो राष्ट्र में कोई बहुत बड़ा मंगल हुआ है या होने की संभावना है गुप्त प्रीति से। एक दिन 1 मिनट सड़क फड़क जाए नहीं, 15 दिनों से बाई आँख 2-2 बार 3-3 बार 3-3 2-2 मिनट 1-1 मिनट फड़कती रहती। इसलिए अभी मैं कोई राष्ट्रीय स्तर का वक्तव्य चैनल आदि के सामने नहीं दे रहा हूँ। ये तब होता हमारे जीवन में जब राष्ट्र के लिए कोई बहुत गुप्त घातक अभियान चल रहा हो, तब होता है। क्योंकि हम लोगों का जीवन समष्टि से मिला हुआ है, समष्टि की सूचना हम लोगों को यूँ प्राप्त हो जाती है। तो बहुत कोई भयंकर सौदा हुआ है अंदर से, पक्ष का या विपक्ष का, बहुत घातक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र का हित में सौदा हुआ है। तो हमने कहा कि राम जन्मभूमि आदि को लेकर भी इन सब के द्वारा जो बुद्धि चलती है ना, कारण का अनुसंधान, क्या कौन सा कारण है जो मंदिर होने में, रामलला को यथास्थान मंदिर में पधरा देने में अवरोधक है। वो अवरोधक को कैसे देखेंगे? इसी सब ज्ञान विज्ञान से देखेंगे या नहीं? तो हो गया ना अनुपलब्धि मात्र से वस्तु के अस्तित्व का। इस काल में, इस देश में अनुपलब्धि होने पर भी सर्वथा अनुपलब्धि कहाँ सिद्ध होगी कार्य की? क्या इस देश में, इस काल में, इस रूप में, जब वो किस रूप में है? केवल मिट्टी के रूप में है, केवल पिंड के रूप में है। तब इस रूप में वस्तु हो गए ना, इस रूप में, इस काल में, इस स्थान में अनुपलब्धि होने पर भी घट है। अभी कितने सूक्ष्म बुद्धि से घट को सिद्ध करेंगे? क्या इस वस्तु, इस रूप में, वस्तु माने इस रूप में, इस काल में, इस स्थान में घट की उपलब्धि न होने पर भी घट का अस्तित्व अवश्य है? या नहीं इति, नहीं तब घटादि कार्यम कदाचित अपि विद्यमानम। यही था ना? तो वही चल रहा है टीका। नहीं नहीं थी जो कहा है ना, अच्छा जो हो गया। उक्ते अनुमाने कार्य से सदा उपलब्धि प्रसंगम पक्षबाधकम असंकते नेत्यादिना न ते अविद्यमानत्वाभावात् उपलभ्येत एव इति चेत् नहि तब ते अविद्यमानत्वाभावात् उपलभ्येत एव। अविद्यमानत्व का
उन सब कार्यों के अविद्यमानत्व का अभाव होने के कारण, माने सत्व होने के कारण, अस्तित्व होने के कारण उपलब्ध होना ही चाहिए, उसी का स्पष्टीकरण है। नहीं तब घटादि कार्यम कदाचित अपि अविद्यमानम इत्युदित आदित्य उपलभ्येतैव। इसी का स्पष्टीकरण है कि तुम्हारे यहाँ तो घट का तीनों काल में अस्तित्व है। इसी स्थिति में सूर्य के उदय हो जाने पर या प्रकाश की अभिव्यक्ति कर लेने पर जब घट विद्यमान ही है तो घट का दर्शन होना चाहिए। लेकिन जो घट जन्म ही नहीं है, तुम कहोगे उत्पन्न नहीं हुआ है, हम कहेंगे जब अस्तित्व मानते ही हो जन्म के पहले भी तो क्यों नहीं दर्शन होता। तो कल हमने बताया ना, बुरा मत कोई मानना है, तो दर्शन है। अभी तो लाला माँ के गर्भ में भी नहीं आया है तो क्या दर्शन होगा। अभी तो लाला बाप पिता के गर्भ में ही आया है तो क्या दर्शन होगा। पिता के गर्भ में स्थित बालक, उसके बाद माता के गर्भ में स्थित बालक 5 दिन का, 2 दिन का, 2 घंटे का, उस बालक का दर्शन होगा। लेकिन बालक की विद्यमानता है या नहीं। फिर पिता के गर्भ में भी जो बालक नहीं आया है, भविष्य में आ सकता है, वो जो है अन्न के रूप में है। अब बालक की आकृति आँख कान वहाँ कुछ है फिर उससे पहले भी क्या वर्षा के रूप में जो बालक है उसका दर्शन हो सकता है। फिर वर्षा के पहले भी बादल के रूप में जो है, अब उससे पहले भी देवता वन का जो बालक है, क्या अभी वो पुण्य का फल भोग रहा है। अभी वो पुण्य का फल भोग रहा है, देव शरीर सोमात्मक प्राप्त है, भविष्य में वही पुण्य क्षीण होने, पुण्य का क्षय होने पर, पुण्य के क्षीण होने पर क्या होगा, शोकाग्नि के बाद में बादल बन के बरसेगा। तुम्हारा भविष्य, अभी तुम विवाह कर लो बच्चू, आगे चलकर इंद्रलोक में अमुक देवता जो हैं इस समय भोग भोग रहे मनुष्य शरीर में पहले थे, अमुक हैं वो भविष्य में तुम्हारे बेटा बनेंगे। कैसे बनेंगे, जब तुम विवाह कर लोगे उसके उधर क्या होगा, उनके पुण्य का क्षय हो जाएगा, वो बादल होके, वर्षा होके, अन्न होके तुम्हारे दोनों के जीवन में आ जाएंगे। फिर जाके पिता के गर्भ के बाद माता गर्भ में आवेंगे, इतना आशावादी होगा कोई। लेकिन वेदांत कितना आशावादी बनाता है क्या? अभी जो देवता दिख रहा है, हाँ 2 वर्ष बाद उसके देवता होने का, रहने का क्षीण पुण्य प्रारंभ खत्म हो जाएगा, वो देवता ही तुम्हारा बेटा बनेगा। लेकिन वो देवता बरसेगा, बादल बनेगा, बादल के बाद वर्षा बनेगा, वर्षा बनेगा माने वर्षा में तादात्म्यपन्न होगा पूरी अष्टक सहित जीव। बादल बनेगा माने बादल में पूरी अष्टक सहित जीव कला तादात्म्यपन्न होगी, फिर वर्षा में होगी, फिर अन्न में होगी, फिर अन्न का सेवन करने पर उसका चरम पर्यवसान चरम धातु में होगा, उधर चरम धातु में स्त्री में होगा, फिर पिता के गर्भ में आ करके माता के गर्भ में आवेगा। माता के गर्भ में आ करके भी अप्सरा का गर्भ तो नहीं है, अप्सरा में क्या योग्यता होती है, उसका जो उदर होता है इतना परिष्कृत होता है कि 2 मिनट पहले गर्भाधान हुआ बच्चा प्रकट हो जाएगा। जैसे भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ तत्काल, ऐसे ये जो थी अपने शकुंतला विश्वामित्र जी मेनका, तत्काल ये जो देवियाँ होती हैं कौन अप्सरा, उनके गर्भ में इतनी उर्वरा शक्ति होती है, तत्काल ही वो बालक बस यों 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 ये बालक या बालिका पेट में तैयार हो प्रकट हो जाते। और मेनका छोड़ के भग गई। अब विश्वामित्र जाने, विश्वामित्र ने सोचा हम तो गिर गए, हम क्यों पालन करें। अब कर्ण ऋषि के पल्ले पड़ गए बेटी। माता का राग नहीं, पिता का राग नहीं, माता ने समझा कि तुझे मैं भ्रष्ट कर चुकी, मेरा काम बन गया जो पिता को पालन करने का, मैं क्यों पालन करूं, मेरे मुझको तो इसने तपस्या से च्युत कर दिया, अब उस लड़की का कौन हो। और ब्रह्मचारी जी के पल्ले पड़ गई, नष्टिका ब्रह्मचारी थे कौन, कर्ण ऋषि, उन्होंने कहा चलो भाई
अब हम ही सही, हम उसको पालन पोषण करके आगे बढ़ाया, हो गया ना। तो गर्भ अप्सरा का गर्भ तो नहीं है ना, इसीलिए कहा कि अब अगर कोई तत्वदर्शी तत्व दृष्टि से देखता है, इस समय जो देवता है 5 वर्ष बाद ये इसका लाला होगा, अब कहे कि महाराज कोई बेटे का प्रारब्ध है या नहीं, हाँ हाँ तुम्हारा बेटा इस समय स्वर्ग में है, देवता के रूप में, तो कहेगा कैसे बात बनाते, पागल हो गए। तो ये है वेदांतियों की भाषा, ठीक है। व्यंजक सामीप्यात माने जहाँ पर वो, तो यहाँ अगर मिट्टी रखी है तो घट भी है ही, प्रकाश आने पर मिट्टी तो दिखाई पड़ेगी, घट नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी व्यंजक ऐसा नहीं कि ओट ओट कुछ हो, जहाँ पर प्रकाश है वहीं पर घट भी हो तो भी तो आँख फाड़ने पर मिट्टी दिखती है, घट घट नहीं है, मिट्टी दिखती है, तो वेदांती कहेंगे हाँ है, वहाँ तो है, लेकिन दृष्टिगोचर होने की दशा में नहीं है। विद्यमानता तो है, क्या दृष्टिगोचर होने की दशा में नहीं है। दृष्टिगोचर होने की दशा में उस विद्यमान को प्रकट करने की जो क्रमिक विधा है उसका आलम्बन लेना पड़ेगा। उक्त अनुमान कार्य से सदोपलब्धि प्रसंगम पक्ष बाधकम आशंकते नेत्यादि न, नहीं तब घटादि कार्य में हो गया। तुम्हारे यहाँ तो घटादि कार्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, तब तो सदा उपलब्धि होनी चाहिए। 14वीं टिप्पणी, अनुमान विषय भूतस्य पक्षस्य सिद्धांतभिमतस्य कार्य सार्वधिकत्वस्य बाधकम अभाव संपादकम इत्यर्थः। अर्थात अगर घट होता तो प्रकाश की प्राप्ति होने पर भी घटोपलब्धि क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रकाश की विद्यमानता में भी दीवाल आदि के ओट न रहने पर भी घट की उपलब्धि नहीं होती है, और जो अनुपलब्धि है वह अभाव का ख्यापक है, इसलिए घट है ही नहीं। तुम्हारा ये बकवास है फालतू, क्या फालतू है कि कार्योत्पत्ति के पूर्व भी कार्य का अस्तित्व रहता है, पूर्व पक्ष। उक्तानुमान निषेधो नयर्थः, नय नकार, यह अनुमान का निषेधक है, निषेध कर उड़ा देने वाला। अविद्यमानत्वाभावात् इति छेदः, भाष्यकार की पंक्ति का छेद कैसे करना चाहिए, अविद्यमानत्वाभावात्, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो अविद्यमानत्व का अभाव है, माने विद्यमान ही है, विद्यमान होने पर दृष्टिगोचर क्यों नहीं है। विद्यमान होने पर भी दृष्टिगोचरता में भी तो हेतु चाहिए। महाभारत, एक शिष्य ने गुरु की खूब सेवा की, शुक्ल जी पढ़ाई पूरी हो गई, शिष्य ने कहा गुरु जी गुरु मांगी दक्षिणा, अरे मैं वैसे ही संतुष्ट हूँ, तुमने बहुत बढ़िया विद्या अध्ययन किया, सेवा की, मैं संतृप्त हूँ, आग्रह किया महाराज मेरी विद्या फलवती हो, ठीक है तो अपनी मेरी धर्मपत्नी अपनी माँ से पूछाओ, गुरु माता से क्या चाहिए दक्षिणा, वो भी विचित्र पंडितानी थी, पंडितों की खबर तो पंडितानी ही लेती, और कलेक्टर आदि सबके आगे ऐंठ के चलते हैं, जब घर में जाते हैं तब देखो मिलिट्री का कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा अपनी पत्नी के सामने उसकी दशा देखो। तो चले गए, गुरु जी की पत्नी ने क्या कहा, वो जो राजा है मैंने सुना है उसकी रानी के कान में दिव्य कुंडल हैं, वो ले आओ गुरु दक्षिणा मेरे लिए, लो। बुरा न मानो कोई, इन माताओं की मांग को पूरा करना भगवान ही बचा। द्रौपदी थी बैठी हुई, एक कमल का दिव्य पुष्प बहके आया, किनारे ले आए भीमसेन, तो बाद में लगा लिया, क्या ऐसे बहुत से पुष्प चाहिए, अब गृह मंत्रालय का आदेश, एक से काम नहीं चलेगा। अब वो गंगा जी हैं ऊपर से आ रही थी, अब भीमसेन चले, अब पति गृह मंत्रालय का आदेश सर कैसे नहीं मानेंगे, चलते अब पति को कोई भी मुसीबत आवे कोई बात नहीं, हमको तो ऐसे बहुत से कमल के फूल चाहिए,
जाते 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 हनुमान जी उनके बड़े भाई ठहरे। उन्होंने सोचा ये मार दिया जाएगा, सब जानू में चला जाएगा, गृह मंत्रालय का आदेश भी पालन करना है, इसको बचाना है, छोटा भाई है। हनुमान जी एक बूढ़े बंदर बन के ऊपर जा रहे थे, गंधमादन पर्वत की ओर, गंगा जहाँ से अवतीर्ण होती है। कहीं न कहीं तो सरोवर किसी से संबंध होगा ना, कि गंगा में बहता हुआ ये पुष्प आया था। वैसे पुष्प ढूंढने के लिए जा रहे थे, सांकड़ी गली थी पर्वत में, बूढ़े बंदर होके हनुमान जी लेट गए। ए बंदर तू रास्ता दे, भीमसेन ने कहा। देख भाई मैं बूढ़ा हूँ, मेरा कमजोरी है, तो ऐसा कर ना, छलांग लगा के आगे चला जा। तू क्या कहता है, मैं धर्मशास्त्र को जानता हूँ, कोई चीटी मकोड़े नहीं है, तू बंदर है, नर के नज़दीक है, तुम्हें लांघ के जाऊँगा, पाप लगेगा, किसी जीव को लांघ के नहीं जाना चाहिए, विशेषकर जो प्रबुद्ध जीव है। तो भैया तू खिसका दे थोड़ा, अपने रास्ता निकाल ले। अब उन्होंने सोचा भीमसेन ने, इसको तो पाँव के अंगूठे से खिसका दूंगा, लांघने में संकोच लेकिन पाँव के अंगूठे से खिसकाने में संकोच नहीं। पहलवानों की बुद्धि ऐसे ही होती है। अंगूठा लगा दी, अंगूठा से क्या, सारी शक्ति लगा दी, टस से मस नहीं। अब भीमसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ, 10,000 हाथियों का बल, और ये ओहो, मैंने सुना कि मैं वायु का अवतार हूँ, वायु मेरे पिता हैं, ये कहीं मेरे बड़े भाई हनुमान जी तो नहीं हैं। कहा आप मेरे बड़े भाई हनुमान जी तो नहीं हैं? हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान जी हूँ, तुमको सावधान करने के लिए, आगे खतरा है इसलिए आया हूँ। तब हनुमान जी ने से भीमसेन ने कहा, मैंने सुना है कि आपने समुद्र लांघ लिया था, वो स्वरूप देखना चाहता हूँ। अरे मैं, वो समय था, हजारों वर्ष पहले की बात थी, अब तुम देखने का प्रयास मत करो। नहीं नहीं मैं तो देखूँगा। उन्होंने कहा मैं अपना स्वरूप कनक भूधराकार धारण करता हूँ, जब तुम डरने लगना तो कह देना, बढ़ते बढ़ते अब नहीं देख सकता, बस बस बंद कीजिए। तब कहा अच्छा छोटे भाई संभल के जाना, वो कमल उमल क्या, कौन है वो, कुबेर के दूतों के सरोवर में है, कुबेर के दूत ये सब रक्षा करते हैं। खैर हनुमान जी ने कहा कुछ वरदान मांग ले, मैंने सुना है विपत्ति के दिन है, भीष्म इत्यादि सब दुर्योधन के साथ हैं, तू कहे तो भीष्म द्रोण सबको पकड़ के ले आके तुम्हारे सामने मुक्का मार मार के खा जाऊँ, सबके कचूमर निकाल दूँ, तो हम क्षत्रिय हैं, हमको बहादुरी दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करना है, कुछ तो वरदान मांग ले। अच्छा सुन, हमारे राम जी कृष्ण होकर आए हैं, जब युद्ध होगा तब अर्जुन के रथ पर कपिध्वज, मैं समा जाऊँगा, बीच में चिलकारी मारूँगा, कभी उग्र रूप धारण करूँगा, इस प्रकार से दुर्योधन के पक्ष का मनोबल दुर्बल करता रहूँगा। वहाँ गए और कुबेर के दूतों से बड़ा संघर्ष हुआ, तब गृह मंत्रालय के आदेश का पालन हो सकेगा, होगा, इतने कमल लेकर आए, समझ गए। ऐसे ही क्या उक्तानुमान निषेधो न अर्था अविद्यमानत्वाभावात् इति छेदः, तुम्हारे यहाँ तो अविद्यमानत्व का अभाव है, इसका मतलब क्या है, सदा होना ही चाहिए उपलब्ध, जब प्रकाश इत्यादि है। अनुमाने बाधकोपन्यास मृणोति, अनुमान में जो बाधक का उपन्यास है उसी को संबंध उपन्यास माने बाधक वाक्य, उसी को कहते हैं विवरण के रूप में, नहीं ऐके नहीं तब घटादि हो गया। वर्तमानवत अतीतम अतीतम आगामी च घटादि सदैव चेत उपलब्धि सामग्र्याम सत्याम तत् प्राग जनने जनने नाशे नाशाचूर्ध्वम उपलभ्येत न चैव उपलभ्यते तस्मात् अयुक्तम कार्य सदा सत्वम इत्यर्थ। बहुत बढ़िया पूर्व पक्ष है। अरे वर्तमान जब कहते हैं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व घट का अस्तित्व, कार्य का अस्तित्व रहता है, तो फिर पूर्व पक्ष क्या है, वर्तमानवत अतीतम आगामी च घटादि सदैव, जो घट बना नहीं है वो भी है, अतीत घट भी, वर्तमान घट भी, अनागत घट भी है ही,
तीनों काल में जब घट है तो ये बोलो उसकी उपलब्धि क्यों नहीं। उपलब्धि सामग्री हम सत्याम, अब कहो कि उपलब्धि की सामग्री नहीं है। अरे भाई प्रकाश चाहिए, अंधकार नहीं है, अंधकार का प्रोदक प्रकाश विद्यमान है, तब तो होनी चाहिए। आँख भी बीचे हुए नहीं, आँख भी खोले हुए हैं, बहुत सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी देख रहे हैं, मिट्टी के अलावा तो कोई घर दिखाई नहीं पड़ रहे। क्या चाकू से भी यों यों करो मिट्टी को तो कहीं से तो घट निकलने वाला नहीं है। खामखा बात हाँकते हो कि उत्पत्ति के पहले भी, उत्पत्ति होते हुए काल में भी, फिर अंत में नष्ट हो जाने पर भी, तीनों काल में घट का जब अस्तित्व है तो तीनों काल में फिर वर्तमान में भी है। बाधक यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि प्रकाश भी है, फिर मिट्टी का ही दर्शन हो रहा है, घट का दर्शन क्यों नहीं हो रहा यह का। इसलिए तुम केवल बात हाँकते हो, सचमुच में कार्योत्पत्ति के पूर्व क्या घट का कारिका भाव ही होता है। मृत पिंड ग्रहणम विरोधी कार्यांतरोप लक्षणार्थम, यही ना 13 में, पिंडवत आवरकत्वे न अभिमत कपालादि कार्यर्थे, यह कहा। अब कहते हैं कि उपलब्धि क्यों नहीं होती, घटादि कार्यस्य द्विविधम ह्यावरणम मृदादेह अभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि प्राग मृदोभिव्यक्ते मृदादि अवयवानाम पिंडादि कार्यांतरूपेण संस्थानम। कहते भले आदमी, तुम्हारे सामने आवरण का एक स्थूल रूप ही नाचता है, इसलिए तुम आवरण के समग्र स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। क्या तुम समझते हो कि ये दीवाल आदि की ओट, इसका नाम आवरण है, किसी वस्त्र आदि से घट को ढक दिया अब दिखता नहीं, ये आवरण है। तुम समझते हो कि तमसाच्छन्न है, अंधकार से आच्छन्न है, ये आवरण है। ये तो बाह्य आवरण है, जिसके बारे में तुम कहते हो कि बाह्य आवरण कुछ भी नहीं है, फिर तो घट का उपलम्ब होना चाहिए। तो उसका बात सुनो, जब कपाल के रूप में है, कपाल द्वय का योग नहीं हुआ है, तब घटोपलब्धि में आवरण कौन है? कपाल द्वय का संयोग न होना, जब कपाल भी नहीं बना है तो पिंडावस्था वो आवरण है, जब पिंड भी नहीं हुआ है तब चूर्णावस्था वो आवरण है, जब चूर्ण भी नहीं हुआ है तब मिट्टी माने कारण ही वहाँ पर क्या है, कारण आवरण है। मतलब कारण तो रहेगा, आप उसके भंग करने की जरूरत नहीं है, कारण की आकृति के तो भंग करने की जरूरत पड़ेगी ना, कारण को भंग नहीं करने की जरूरत है। लेकिन वहाँ पर जो है घट किस रूप में विद्यमान है, तो घट इसलिए वहाँ पर आवरण कौन है कि घट को घट के अनुकूल आकृति देने का काम तो बाकी है। तो आवरण की कई घाटी हो गई ना, अभ्यंतर घाटी यह कि केवल अभी मिट्टी ही विद्यमान है, उस मिट्टी को कालक्रम से घटाकृति की प्राप्ति होनी है। अगर कोई कुलाल का संयोग न हो तो मिट्टी लुढ़कते पुढ़कते स्वयं कभी घट होने वाली नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि कुलाल का संपर्क न होने पर भी मिट्टी का अस्तित्व ये घट का अस्तित्व नहीं है। अब मान लो मिट्टी को चूर्ण का रूप दे दिया गया, वहाँ चूर्णाकृति, वहाँ मृदाकृति, यहाँ चूर्णाकृति आवरण है, उसको पिंड का रूप दे दिया गया तो पिंडाकृति आवरण है, उसको कपालद्वय का पृथक पृथक रूप दिया गया तो कपालद्वयाकृति वहाँ पर आवरण है। बाद में जाकर जब घट बन गया तब यहाँ पर कह सकते हो कि कोई कपड़ा वस्त्र इत्यादि आवरण है, दीवार के ओट आवरण है, या वहाँ पर आवरण अंधकार ही है। तुम्हारी दृष्टि तो केवल बाह्य आवरण पर जा रही है, अभ्यंतर आवरण के स्वरूप को समझने की स्थिति तुम्हारी है ही नहीं। अभी हो गया ना, मृत पिंड ग्रहणम विरोधी कार्यांतर हो गया।
असंहते सतीति छेदा न तावत विद्यमानत्व मात्रम विद्यमानत्व मात्रम कार्य से सदोपलम्भा पादकम सतोपि घटादेह अभिव्यक्ति अनंतर अभिव्यक्तोपलब्धवाति समाधत्य नेति न द्विविधत्वादावरण से घटादि कार्य से द्विविधम ही आवरण मृदादेह अभिव्यक्त तम कुड्यादि प्रागमृदोभिव्यक्त मृदाद्यवयानां घट पिंडादि कार्यांतरूपेण संस्थानम तस्मात् प्रागुत्पत्ते विद्यमानस्य घटादि कार्यस्य आवृतत्वादनुपलब्धेः नष्टोत्पन्न भावा भावशब्द प्रत्यय भेदस्वाभिव्यक्ति तिरोभावयोर् द्विविधस्त्वापेक्षः पूरा ये भाष्य पढ़ दिया मैंने। अब कहते हैं अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति का खेल है भाई। अभिव्यक्ति हो जाने पर बाह्य आवरण का अपनोदन कर दो तो उसका स्फुरण हो जाता है। अभिव्यक्ति का अर्थ ही है कि स्फुरण होना। बाह्य भी आवरण नहीं है, अभ्यंतर आवरण नहीं, घट घट के रूप में बन चुका है, अपनी आकृति को धारण कर चुका है। उसको ढकने वाला कोई वस्त्र आदि भी नहीं है, दीवाल आदि के ओट में भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है। अब वो घट घट बुद्धि तब बनेगी ना, घटत्वेन घट का भान तब हुआ, अब ये निरावरण हो गया। लेकिन उससे पहले क्या था, कोई न कोई आवरण था, वाही आवरण न सही, तो पूर्व कारण की पूर्व जो कार्य उसकी आकृति वहाँ पर आवरण है। इस प्रकार आवरण को समझने का प्रयास करो। अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम अभि तु अभिव्यक्ति साधकम न तु सतः तस्मात् सामग्री नियमोस्ति अभिप्रेत्याः द्विविधत्वात् इति पंद्रहवीं टिप्पणी। अस्तित्व वर्तमान घटादौ अदृष्टे रीति शेष है, अनेन कारण कारण सत्वमेव तत्सत्वमिति प्रत्युक्तम वर्तमान घटे तत्सत्वेपि व्यंजकत्वा नियमात् अतः सतोपि अभिव्यज्यमानत्वम्। इस प्रकार स्थायीवादी भी इष्टव्यम इति भावः। यह कहा अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम तो अभिव्यक्ति साधकम, अभिव्यक्ति के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो हो तो अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है। न तो सतः तत् सामग्री नियमो अस्ति, लेकिन जो पहले है ही उसके लिए सामग्री की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर सत अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब ही तो हो गया ना कि वो स्वरूप से है, अभिव्यक्ति है, ये मान रहे। ये पर कहा द्विविधत्वात् इति, कहा कि दो प्रकार के आवरण होते हैं। एक जो है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण न रहने पर भी अभ्यंतर आवरण क्या होता है, चरम कार्य की निष्पत्ति के पूर्व कार्य की विद्यमानता। पूर्व पूर्व कार्य की विद्यमानता न हो तो मूल में उपादान को चरम कार्य की आकृति न प्राप्त होना। इसलिए सत्व और सत्व में अंतर हुआ या नहीं। मौलिक सत्व मूलभूत अस्तित्व अलग चीज़ है और अभिव्यक्त सत्व अलग चीज़ है। सत्व सत्व में अंतर हुआ या नहीं। क्या मौलिक सत्व तो वही हुआ ना, मिट्टी के रूप में घट है, पिंडादि के रूप में है। अब अभिव्यक्त सत्व जब वो अपनी जिसका नाम ले रहे हैं वो अपनी आकृति से परिपूर्ण हो जाए तो अभिव्यक्त सत्व हुआ, अन्यथा अनभिव्यक्त अनभिव्यक्त सत्व। कोई भी वस्तु अभिव्यक्ति के पूर्व नहीं होती ये नहीं कह सकते। क्या अभिव्यक्ति के पूर्व, अब बादल में जल है लेकिन कहाँ, अभी वर्षा तो नहीं है तो जल का अस्तित्व है या नहीं। अच्छा जब बादल नहीं बना है तब जल का अस्तित्व किस रूप में है, धूम ज्योति सलिल इन सब रूपों में है या नहीं। सन्निपातक व मेघ, ये सब मेघ बनने के पहले भी जल का अस्तित्व है या नहीं।
अच्छा, यज्ञ होने के पहले जल का अस्तित्व है या नहीं? यहाँ तक कि आप कह दें तेज जल नहीं बना है, तेज जब तेज ही है तब भी जल का अस्तित्व है या नहीं? जल तेज भी नहीं बना है तो वायु होने पर भी, वायु होने पर भी भविष्यत गति से कहें तो जल का अस्तित्व है या नहीं? अब मान लो आकाश है, अभी वायु की संरचना भी नहीं हुई है, तो आकाश है उस समय भी भविष्यत गति से जल का अस्तित्व है या नहीं? वह आकाश भी उत्पन्न नहीं हुआ है, अव्यक्त ही है, तो वहाँ पर भी अव्यक्त का मतलब क्या है कि व्यक्त का बीज, तो बीजावस्था जल की है या नहीं? वो महाप्रलय में अव्यक्त भी भगवान से एकीभूत होकर स्थित है, तो भगवत भावापन्न होकर वहाँ भी जल है या नहीं? क्या कितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी। अब क्या है, युक्ति के द्वारा क्रमशः जिसको हम चरम कार्य का रूप देना चाहते हैं या जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रूप में उसकी आकृति की प्रसिद्धि है उस रूप में उसे आकृति प्रदान करना चाहते हैं, इतने चकल्लस को पालने की आवश्यकता है। चकल्लस इतनी विधा को पालन करने की आवश्यकता है। अस्तित्व का अपलाप नहीं कर सकते, अनभिव्यक्त दशा में अस्तित्व, अभिव्यक्त दशा में अस्तित्व, दोनों में भेद है या नहीं? उपलम्भ अभिव्यक्त दशा में है, अनुपलम्भ दशा में भी वस्तु का अस्तित्व मान्य है या नहीं है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।